दोस्तों नमस्कार, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप के बारे में। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में सब कुछ बात करने वाले हैं, आप देखते रहिए वीडियो। तो दोस्तों हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जो ऐसे जो कैंडिडेट का जो डिस्ट्रिक्ट वेरीफिकेशन नहीं दिखा रहा, जैसे जिन जिन कैंडिडेट का अभी डिस्ट्रिक्ट वेरीफिकेशन नहीं दिखा रहा था, तो वेरीफिकेशन लगातार हो रहे हैं। वेरीफिकेशन हर उन कैंडिडेट का सब कुछ चेकअप हो रहा है जिनका सब कुछ क्लियर है, उनका वेरीफाइड होते चला जा रहा है। तो आप अपना स्टेटस रेगुलर चेक करते रहिए, क्योंकि देखिए जो मैंने इस समय स्क्रीन पे एक ये स्टेटस लिया है, इसमें देखिए यहाँ पे जो लास्ट वेरिफिकेशन ये हुआ है, यहाँ पे जो लास्ट वेरिफिकेशन इनका 10 दिसंबर को हुआ है, मतलब 2 दिन पहले ही अभी जस्ट हुआ है। तो आप अपना स्टेटस चेक करते रहिए, क्योंकि वेरिफिकेशन लगातार हो रहे हैं। जिन जिन कैंडिडेट का वेरिफिकेशन हो रहा है, हो गया हो, आप कमेंट सेक्शन में वो हमें बता सकते हैं वेरिफिकेशन, या जिन कैंडिडेट का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है वो कैंडिडेट वो भी बता दें क्या दिक्कत आ रही है। क्योंकि आप अपना स्टेटस चेक करते रहिएगा, जिस कैंडिडेट का अगर स्टेटस अंत तक फाइनल नहीं हो पाएगा, वो जाके अपना तुरंत फटाफट करेक्शन डेट आएगी, वहाँ से करेक्शन करके आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि आपकी स्कॉलरशिप आ सके। क्योंकि उनकी तरफ से लगातार जो है वेरिफिकेशन चल रहे हैं। PFMS भी अपना चेक करते रहिए। अब हम आपको बताते हैं कि आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में जाइए, अपना ब्राउज़र ओपन कीजिए, जो भी ब्राउज़र हो। ब्राउज़र ओपन करने के बाद गूगल ओपन कीजिए। गूगल ओपन करने के बाद गूगल में सर्च कीजिए सरकारी जॉब फाइंड। जैसे ही आप सरकारी जॉब फाइंड सर्च करेंगे, जैसे हमने ये कर दिया, उसके बाद आपके स्क्रीन पर एक लेआउट खुलेगा। यहाँ पर सरकारी जॉब फाइंड की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक खुल जाएगी, यहाँ पर देखिए। फिर आपको क्या करना है, इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टेटस पर क्लिक करते हैं, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है सरकारी जॉब फाइंड की, खुल जाएगी। अब आपको करना क्या है, यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस है, ये जो स्टेटस है, ये स्टेटस वैसा स्टेटस है, ये जो स्टेटस है PFMS का स्टेटस है, ये नॉर्मल स्टेटस PFMS का। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो इस पे स्टेटस पे क्लिक कर देना है, जो नॉर्मल स्टेटस वाली लिंक है ये। अब आपको इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ही पेज ओपन होता है, इस पर कुछ डिटेल्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो पढ़ सकते हैं। फिर आप नीचे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस लिंक्स मिल जाएंगी, जो कि डायरेक्टली हैं स्टेटस चेक की लिंक। तो आप जाके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है चेक स्टेटस फॉर ऑल कैंडिडेट। अब इसके सामने वाले क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी डायरेक्टली, जो लिंक इनकी सब दी गई हैं। आप जिससे बिलोंग करते हैं, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, रेनुअल, फ्रेशर, जिस कैटेगरी में भी बिलोंग कर सकते हैं, यहाँ पे इनके सारे लिंक्स आपको अवेलेबल हैं। आप उस पर क्लिक करके अपनी सब डिटेल्स भर के अपना स्टेटस चेक करते रहिए, ताकि आपको पता रहे कि आपका स्टेटस किस दिन फाइनलाइज हो रहा है। अब जैसे मान लो हम प्री मैट्रिक इस पर क्लिक करते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे इनके डिटेल्स के ऑप्शन खुलेंगे। हमें इसमें डिटेल्स में सब कुछ फिलअप करना है अपना, जो जो ये मांग रहे हैं, जैसे वो हम फिलअप करके आपको सबमिट करके अपना स्टेटस देखते रहना है। अगर आपका स्टेटस फाइनलाइज हो गया है तो आपको PFMS देखना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ डाटा इनका पता चलेगा कि आपकी स्कॉलरशिप कितनी आएगी। जैसे देखिए यहाँ पे इन्होंने जो जो कॉलम दिया है, जिसे आप जो जो डिटेल्स मांगते हैं सब कुछ आप इसमें फिलअप करके अपना स्टेटस चेक करते रहिए। और उसके बाद अगर आपका सब कुछ क्लियर आ रहा है तो आप PFMS वाली लिंक पे जाके आप अपना PFMS चेक करते रहिए, क्योंकि वहाँ से चेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपकी स्कॉलरशिप कितनी आनी है, तो सीधे बैंक अकाउंट में जाएगी। देखिए इसके सामने वाली ये लिंक है, यहाँ पर दिख रहा है स्क्रीन पर, ये आप क्लिक करेंगे तो PFMS की डायरेक्टली लिंक खुल जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना बैंक नेम फिल करना है, उसके बाद अकाउंट नंबर फिल करना है, फिर से कन्फर्म अकाउंट नंबर एक बार फिर से भरना है, फिर उसके बाद इनके कुछ कैप्चे आते हैं ये इसमें करके सर्च कर देना है, तो आपका PFMS डिटेल खुल जाएगा। तो ये रहा दोस्तों इस वीडियो में हम आपको न्यूज देनी थी, तो मैं सोचा ये वीडियो बना देता हूँ। आगे कुछ जैसे ही अपडेट निकल के आती है आपको फिर से मिल जाएगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही अपडेट से बने रहने के लिए। एक नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।